मुंबई के गोराई स्थित सुविधा गोराई में जो मनोहर चौगुले हाई स्कूल है वहाँ पे महिला आयोग की सदस्य आशा अताई और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ महाराष्ट्र के जो महाराष्ट्र सचिव हैं गीता कपूर, इन दोनों के संयोजन में, इन दोनों के आयोजन में दोनों ने मिलजुल कर एक हाई स्कूल में ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जो लोगों के लिए काफ़ी सोचने पर मजबूर करता लोगों को। इन्होंने छोटी बच्चों को, छोटी कन्याओं को, छोटी जो बच्चियां हैं उनको स्कूल में प्रवेश दिलाया, दाखिला दिलाया और उसे कन्या प्रवेश दिवस का रूप दिया गया, नया दिवस के रूप में इसको मनाया गया कि बच्चियां जब पढ़ने जाएं तो उन्हें कन्या प्रवेश दिवस मनाया जाए। कन्याएं जब पैदा होती हैं तो लक्ष्मी पैदा होती है घर में, ऐसा लोगों की मान्यता होती है कि कन्या यानी लक्ष्मी है, लक्ष्मी का स्वरूप होती है और कन्या जब पढ़ने जाए तो कन्या वो कन्या सरस्वती का रूप बने, इस तरीके से लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का समन्वय रहे ताकि बेटियां जो है धन धान से और ज्ञान से संपूर्ण विकसित हों और देश का विकास करें। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी इससे जब बेटियां पढ़ेंगी और जब बेटियां बढ़ेंगी तो हमारा परिवार बढ़ेगा, हमारे परिवार में सुख शांति बढ़ेगी, बेटियां जब शिक्षित रहेंगी तो पूरे परिवार प्रशिक्षित होता है, एक बेटी प्रशिक्षित होने से, शिक्षित होने से पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। इसको प्रधानमंत्री की इस जो महत्वाकांक्षी योजना है और सुकन्या योजना जिन्होंने कन्याओं की शादियों के लिए भी उन्होंने कन्याएं नाना प्रकार की जीवन बीमा योजना, सुकन्या योजना, कई प्रकार की योजनाएं चालू किया, बेटियों को जिस तरीके से बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री योजना का सपना है उसको साकार कर रही है ये दोनों महिलाएं। देखा जाए तो इनका जो ये कार्यक्रम है एक अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम हुआ जो कन्या प्रवेश दिवस के रूप में बच्चियों को वहाँ पर प्रवेश दिलाया गया, दाखिला दिलाया गया पढ़ने के लिए और उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उनको उपहार दिए गए, उनको बुक दिया गया और उनकी आरती उतारी गई। ये देखिए आरती उतारी गई और उनका सत्कार दिया गया, गुलाब फूल देकर के उनको बच्चों का सम्मान किया गया। ये बेटियों का सम्मान है, कन्या का सम्मान है। जिस तरीके से लोगों में भ्रांतियां पैदा हुई थी कि कन्याएं होने के बाद उनके ऊपर खर्चा होता है, शादी का खर्चा होता है और वो भ्रूण हत्या का जो दौर चालू हो गया, इस तरीके से आपराधिक दौर चालू हुआ, उसे रोकने के लिए आपराधिक कानून बनाया गया कि लिंग परीक्षण नहीं हो और बच्चियों को बचाया जाए, बच्चों की भ्रूण हत्या ना हो, इसके ऊपर लेकर मेडिकल से लेकर कानून तक सारी व्यवस्थाएं की गई। लेकिन महिलाओं ने कहा कि नहीं, जब तक हम मानसिक रूप से विकसित नहीं होंगे, जब तक कन्याओं को सम्मान नहीं दिया जाएगा, जब तक उनके शादियों में उनकी उनको सत्कार नहीं दिया जाएगा, उनके शादियों में सहयोग नहीं होगा, तब तक कन्याओं को बचाने के लिए मानवता, मानव के अंदर मानव प्रवृत्ति नहीं बदलेगी। इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए इस महिलाओं ने एक नई सोच ली, नई विचारधारा चालू किया और जो सुविधा गोराई मुंबई में एक इलाका है बोरीवली पश्चिम में, वहाँ पर मनोहर चौगले हाई स्कूल में ये जो महिला आयोग की सदस्य हैं आशा ताई और भारतीय रिपब्लिकन पार्टी की जो महाराष्ट्र सचिव हैं वो गौतम गीता कपूर ने मिल करके, इन दोनों महिलाओं ने मिल करके यह एक आयोजन किया और कन्याओं को प्रोत्साहित करने के लिए उनको गुलाब दिया गया, उनका सत्कार किया गया और उनकी आरतियां उतारी गई कि बच्चियां हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए जा रही हैं। तो ये एक नया तरीका, नया अनुभव लोगों को, नया सगुफा महिलाओं ने इस समाज को दिया है। इस सामाजिक महिलाओं ने देखा जाए तो एक बहुत बड़ा समाज का कार्य किया और समाज दिवस के रूप में एक प्रचलन किया कि कन्या प्रवेश दिवस यहाँ से शुरुआत हुआ और ये हम आपको यहाँ पर इसका दृश्य हम आपको दिखाए कि किस तरीके से कन्या की आरती उतारी गई, उनको गुलाब दिया गया, उनका सत्कार किया गया और उनको पुस्तक वितरण और उपहार देकर के कन्याओं को अंदर से अंदर प्रेरित किया गया, उत्साहित किया गया ताकि ये बच्चियाँ बड़े उत्साह के साथ, सम्मान के साथ, सत्कार के साथ आकर के पढ़े। गरीब घर की बच्चियां होती है जो जिनका दाखिला नहीं हो पाता, जिनका जिनके अंदर पढ़ाने की खर्चा नहीं होती, ऐसे बच्चियों को ला करके इस स्कूल में, इस स्कूल के प्रबंधक को भी हम यहाँ पे देखा जाए तो धन्यवाद के पात्र हैं कि इन लोगों ने मिल करके यह दिवस मनाया और बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया पढ़ाने के लिए और उनका पढ़ाई का पूरी जिम्मेदारी का देखा जाए तो इन महिलाओं की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई।